बताओ तो करना पड़बे ना करेगा, कहाँ जाएगा? पीने के लिए बाजार में आना ही पड़ रहा है। नमस्कार, मैं विवेक और मैं इस वक्त मौजूद हूँ रामगढ़ के मेन रोड चौक के समीप, जहाँ पे अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये चिलचिलाती धूप और ऊपर से गर्मी का ये मौसम, जो कि लोगों को बाहर निकलने में, घर से बाहर निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त अभी हम देख सकते हैं सुभाष चौक के ठीक आगे खड़ा हूँ, जहाँ पे चिलचिलाती धूप में भी लोग यहाँ पे अपने काम को लेकर निकल रहे हैं। और ऐसे में आप अभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी अभी यहाँ पे अभी मौजूद है, और ट्रैफिक पुलिस भी अपना जो है वो काम अच्छे तरीके से करते देखे जा रहे हैं। तो इतनी चिलचिलाती जो धूप है उसमें भी ट्रैफिक पुलिस का भी अहम योगदान है, यातायात के नियमों को पालन कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस से दिन रात लगे हुए होते हैं। और अभी भी ये मौसम अभी देख सकते हैं 45 डिग्री के पार अभी यहाँ पे चला गया है सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस अभी आज का तापमान है। और ऐसे में भी यहाँ पे यातायात ट्रैफिक पुलिस के द्वारा यहाँ पे नियमों का पालन कराने के लिए यहाँ पे चेकिंग लगाया गया है। सर, इतना कड़ा धूप में भी आप लोग यहाँ पे खड़े हैं सर, तो कैसे कर पाते हैं? जनता के सुरक्षा के लिए हम लोग मेहनत करेंगे, चाहे धूप हो चाहे जो भी हो, हम लोग का सुरक्षा चाहिए जनता का। आज यहाँ पे लगाया गया वाहन जांच, इसमें आप लोग क्या क्या जांच कर रहे हैं सर? हम लोग 3 लोड जांच कर रहे हैं, हेलमेट जांच कर रहे हैं। वही सर, इतना कड़ा धूप में कुछ बचाव के लिए कुछ नहीं है, पानी पीने के लिए व्यवस्था है कि नहीं सर? पानी है, पानी है। हाँ, पानी। और इस धूप में भी आप खड़े हो कैसा काम करे तो कुछ है व्यवस्था धूप से बचने के लिए है कि नहीं? कुछ व्यवस्था तो तत्काल में कुछ नहीं है, रूम है, ज्यादा रूम लगता है तो रूम में 5 मिनट आराम करता है, फिर ड्यूटी में लगता है। क्या नाम है सर आपका? बालेश्वर सिंह। ये पब्लिक सेवा में लगे हुए हैं और आज देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे चिलचिलाती धूप है, धूप में भी ट्रैफिक पुलिस के जवान यहाँ पे मौजूद हैं, तत्पर हैं और नियमों का पालन कराने के लिए लोगों से अपील करते हैं कि हेलमेट लगा के चले, गर्मी का भी मौसम है, साथ ही हेलमेट लोगों की सुरक्षा के लिए भी लगाई जाती है। और इसके साथ ही कई ऐसे उससे फायदे हैं, खास करके यातायात में जो भी पुलिस के जवान रहते हैं उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन पब्लिक के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, पब्लिक के भलाई के लिए ऐसा किया जाता है। ये कुछ लोगों से भी जानते हैं यहाँ पे जो है। क्या नाम है भैया? संजय। क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। इतना गर्मी में भी निकले हुए हैं, क्या गर्मी से राहत पाने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या करेंगे, बस ऑटो पे कहीं बैठ जा रहे हैं, कभी पेड़ के नीचे चल जा रहे हैं। इतना गर्मी बर्दाश्त हो पा रहा है? नहीं, हो तो नहीं पा रहा है अभी तक, पर करना तो पड़ेगा ना, पेट है तो। पेट के लिए आप देख सकते हैं इतनी गर्मी में भी ये लड़का ऑटो चला के अपना परिवार का पालन पोषण कर रहा है। आइए, यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पे खड़े हैं चिलचिलाते धूप में। भैया कहाँ से? मुरकुंडा से। मुरकुंडा से क्या करते हैं आप? काम करते हैं, जॉब करते हैं। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मैं बाहर जा रहा हूँ काम करने। इतना गर्मी में भी आप निकले हुए हैं? बहुत गर्मी है, 42 डिग्री सेल्सियस गर्मी है, उसके बावजूद भी जाना पड़ रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कई महिलाएं जो है कि अपना चेहरा बांध ली हुई, ये गर्मी के कारण देख सकते हैं। इस सड़कों पे आप देख पा रहे होंगे कई ऐसे लोग हैं जो अपना चेहरा धूप से बचने के लिए बांध के यहाँ पे निकले हुए हैं, क्योंकि हर किसी को ज़रूरत है, हर किसी को किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण उन्हें घर से बाहर आना पड़ता है इतनी गर्मी में भी। क्या नाम है भैया आपका? विशाल दत्ता। चिलचिलाती धूप में आप सड़क पे हैं, क्या वजह है जो धूप में भी आपको बाहर आना पड़ा? सर, नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा अपना रोजगार है, धूप में ही काम करना पड़ता है, प्लस टेम्पो चलाते हैं। गर्मी बढ़ने का मुख्य कारण है कि शहरीकरण ज़्यादा हो रहा है, जिसने पेड़ को काटना मुख्य कारण है। जैसे जैसे पेड़ कट रहे हैं वहाँ का तापमान बढ़ता चला जा रहा है। आज भी अगर हम वन क्षेत्र में जाएं तो जो शहरी क्षेत्र का तापमान है उससे वहाँ कम पाया जा रहा है। हम लोगों को वृक्ष लगाना चाहिए, पर
जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है और गरीब लोगों को जो अपने रोजमर्रा की जीवन को जीने के लिए बाजार में आना ही पड़ रहा है, आप देख सकते हैं कि कितने टेम्पो वाले खड़े होके पैसेंजर का वेट कर रहे हैं, पर पैसेंजर भी कम है, पर इन लोगों को अपने रोज के कामों के लिए बाजार आना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी भी एग्जामिनेशन चल रही है, इग्नू का एग्जाम हो रहा है, यूनिवर्सिटी एग्जाम हो रहा है, बहुत सारे एग्जाम में भी स्टूडेंटों को इतने गर्मियों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे आप इधर देख पा रहे होंगे, जैसा कि भीषण गर्मी है, लोग कहीं ठंडा पी रहे हैं तो कहीं सत्तू पी रहे हैं तो कहीं आम का जूस। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक आदमी आए हुए हैं जो कि यहाँ पे आम का जूस पी रहे हैं गर्मी से राहत पाने के लिए। तो आइए इनसे जानते हैं कहाँ से है भैया। सामने गोल पार्क से है, दो नंबर। बहुत ज़्यादा गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? बस जूस पी रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं। बहुत ज़्यादा इस बार का गर्मी बहुत ज़्यादा इस बार। तो आइए यहाँ पे जो दुकान के संचालक हैं उनसे भी जानते हैं कि इस बार का जो गर्मी है बहुत ज़्यादा है और ऐसे में कितना रोज आम का जो जूस है वो बेच पाते हैं, आइए जानते हैं। इस बार गर्मी ज़्यादा है भैया? हाँ, काफ़ी गर्मी है। और कितने बजे से आपकी दुकान चलाते हैं? 8 बजे से 11 बजे तक खुलते हैं रात की। ग्राहक आ जाते हैं? ग्राहक आते हैं, दोपहर में नहीं आते, अभी इतना गर्मी है, गर्मी में कौन निकलेगा, मगर शाम के समय में होता है, आते हैं। हाँ, सुबह शाम चल रहा है। हाँ नहीं, 18 वर्ष हो गया हमारा, 17-18 साल हो गया यही काम कर रहे हैं। हाँ, जूस का ही, गर्मी में यही लगता है आमरस। तो और साल के अपेक्षा इस साल कैसे गर्मी है? काफी गर्मी है, लोग ग्राहक कम आते होंगे? कम आते हैं अभी, मगर सेकेंड हाफ में बहुत ज्यादा असर है, गर्मी का असर दिख रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा। तो आपने सुना कि किस तरह से ये दुकानदार यहाँ पे बतलाएं कि जो गर्मी का जो असर है वो यहाँ पे देखने को साफ तौर पे मिल रहा है, लोग जो है कड़े धूप के कारण यहाँ पे कम देखे जा रहे हैं, कम आ रहे हैं। हालांकि 16-17 वर्षों से जो है ये भैया जो है यहाँ पे जूस का दुकान किए हुए हैं और यहाँ पे लोगों की सेवा कर रहे हैं।